देश विरोधी गतिविधियों को लेकर बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग मामले की जांच करने को लेकर एनआईए की टीम छपरा पहुंची, जहां उनके द्वारा जिले के जलालपुर प्रखंड अंतर्गत रुदलपुर गांव में छापेमारी की गई। इस दौरान उन्होंने स्थानीय शिक्षक अख्तर परवेज को हिरासत में लिया और उसका मोबाइल जब्त कर लिया, जिसके बाद एनआईए की टीम उसे लेकर जलालपुर थाना पहुंची, जहां उनके द्वारा उसे गहन पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ के बाद उन्होंने उसके मोबाइल और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें फिलहाल तो मुक्त कर दिया है। लेकिन इस मामले में एसआईटी और एनआईए की टीम लगातार जांच कर रही है। बता दें कि इस वर्ष 12 फरवरी को बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई का एक प्रशिक्षण चल रहा था, जिसमें अख्तर परवेज भी शामिल था, और उस मामले में झारखंड के एक पुलिस पदाधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले की जांच को लेकर बिहार के 30 स्थानों पर एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जलालपुर कई थाने के प्रशासन यहां उपस्थित है, तमाम लोगों की भीड़ आपको दिखाएं और देखिए चारों तरफ से प्रशासन छावनी में बदल चुका है और यहां रेड चल रहा है, घंटों से पूछताछ चल रहा है। हालांकि ये मामला कई दिन पहले ही उठा था और ये मामला आज अभी जाँच का विषय बना हुआ है, जांच हो रहा है। अधिकारी जांच करके निकलते हैं तो क्या कहते हैं और क्या जांच में निकला है अभी तक जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद में आप सभी को बताया जाएगा कि आखिरकार इस जांच में क्या निकला। अधिकारी निकलते हैं तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इस जाँच में क्या निकला, जो घंटों से जाँच चल रहा है। लेकिन जलालपुर के माधवपुर पंचायत में टीम आई थी जाँच में, एनआईए को हमने पूरा सहयोग किया है, एनआईए हमारे मोबाइल भी लेकर के गई है और आश्वासन दिया है कि जांच के बाद आपके मोबाइल को लौटा दिया जाएगा।